किसानों के लिए खुशखबरी है, खरीफ के बाद रबी दलहन पर भी किसानों को बोनस मिल सकता है। चने पर 250 रुपए से 400 रुपए तक बोनस का ऐलान हो सकता है। रबी फसलों की एमएसपी पर आज एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। सीएसईपी ने रबी फसलों की एमएसपी में 5 से 10% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इस मामले पर सीएसईपी ने अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी। दाम बढ़ने से इस साल खरीफ दलहन की बुआई में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा का कहना है कि सेबी के फेयर प्राइस नियम से आईपीओ के दौरान फायदा हुआ। सिन्हा के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष प्राइमरी मार्केट के लिए बेहतर रहने की उम्मीद है। सिन्हा ने कहा कि अगली एजीएम में रीट्स के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। All over the world, this has not happened overnight. It is taking time. As I told you, whatever SEBI has done is after extensive consultations with the ministry. And the feedback was that for investor community and also for those who are issuers, there is need for clarity about the process, about investor protection and the details of the regulations. So that is what has been provided. Now this conference and future conferences will aim at providing awareness about it, and people will have questions about the rating process, for example, accounting process, for example. Those will be provided. और ONGC के चेयरमैन DK सराफ ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि एपी शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि ONGC में कुएं से गैस निकाली गई और उसका उत्पादन भी हुआ। हालांकि इसका मुआवजा ONGC को मिलेगा या सरकार को मिलेगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। हमारे फील्ड से रिलायंस के फील्ड में गैस गई है या नहीं गई, और अगर गई है तो वो प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, वो सब चीज़ों को शाह कमेटी ने देखा है और एक टेक्निकल कंसल्टेंट ने भी देखा है, और उस सब का नतीजा यह निकला है कि गैस गई है और उस गैस को प्रोड्यूस भी किया गया है। तो जो हमने अभी तक हम कह रहे थे पिछले 2.25 सालों से, वो हमारा जो कहना है सच साबित हुआ है। अभी उसका जो कॉम्पनसेशन है हमको मिलेगा या भारत सरकार को मिलेगा, ये सब जो चीजें हैं ये डिटेल्स का मुद्दा है। बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने आज नए मोर्चे आवाज पंजाब का ऐलान कर दिया। नए मोर्चे के ऐलान के साथ सिद्धू ने राज्य की अकाली बीजेपी सरकार से लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। कहना सिद्धू साहब तुम इलेक्शन मत लड़ो, घरवाली को लड़ा दो, हम उसको मंत्री बना देंगे। सिद्धू ने अकाली दल का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा, बीजेपी पर भी भड़ास निकाली। है अंधेरा बहुत, काले बादल चीर के अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। दो दो सौ रैलियां ते जदों रैलियां मुकियां ते सरकार बनने का टाइम आया। इंस्पेक्टर कहना सिद्धार्थ साहब तुझे तो थले उतर जाओ, थोड़े तक हुक्म है तो उत्ते आऊंगी। मैं थलो ही गाना गाया, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं क्यों जा रहे हैं जैसे हम जानते नहीं। सिद्धू ने परगट सिंह, सिमरनजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस के साथ नया मोर्चा बनाया है। बीजेपी छोड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा थी। सिद्धू को सीएम पद का दावेदार बनाए जाने की शर्त से एएपी में शामिल होने की बात बिगड़ गई। परगट सिंह और बैंस भाइयों के भी आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा थी। सिमरजीत सिंह बैंस लुधियाना के आतमनगर से निर्दलीय विधायक हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। नए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने पद संभालने के बाद पहली बार ये मुलाकात है। कल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया से भी उर्जित पटेल ने मुलाकात की थी। Everybody would like...